उत्तर प्रदेश के हरदोई के शाहबाद में प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी के द्वारा आयोजित अपने पति पूर्व विधायक स्वर्गीय उपेंद्र तिवारी की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि अखिलेश यादव जितने भी माफिया है उनके सरगना और सरदार है। उन्होंने कहा कि माफिया जिस दिन समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे उस दिन समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। प्रियंका गांधी के बयान पर डेप्यूटी सीएम ने कहा, प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ी, रायबरेली को हम सब संभाल लेंगे। डिप्टी सीएम ने इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित किया, उपकरण वितरित किए, इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास और निरीक्षण किया। दंगे के मामले में वो बोले तो शोभा नहीं देता, बहराइच हो या प्रदेश में कहीं भी हो, कोई अराजकता करेगा, कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, कोई किसी व्यक्ति पर हमला करेगा, हत्या करेगा, तो कार्रवाई या कानूनी एक पक्ष है और सरकार कानून के हिसाब से कार्रवाई के लिए एकदम तत्पर है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। क्योंकि जब अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो श्री अखिलेश यादव जी विचलित हो जाते हैं, क्योंकि जिस दिन गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई सपा का साथ छोड़ देंगे उसी दिन सपा समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों और माफियाओं की पार्टी, ये तो आपको भी समझ में आ रहा है कि मैंने कहा गुंडों और माफियाओं के खिलाफ जब हम कार्रवाई करते हैं तो विचलित कौन होता है? श्री अखिलेश यादव जी होते हैं। अगर श्री अखिलेश यादव जी विचलित होते हैं तो स्वाभाविक गुंडों की पार्टी कौन है? उत्तर प्रदेश की जनता। अच्छे, एक सवाल और है सर, अखिलेश यादव अभी आपने चूंकि सदस्यता अभियान की बात की, उन्होंने आज सदस्यता अभियान हरदोई के शाहबाद में पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को निशाने पर रखा और कहा कि उत्तर प्रदेश में जितने भी माफिया हैं उनके सरदार और सरगना अखिलेश यादव हैं। जब भी किसी माफिया पर, अपराधी पर कार्रवाई होती है अखिलेश यादव विचलित हो जाते हैं और वो दंगों की बात करते हैं तो अपना कार्यकाल भूल जाते हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल में कोई भी ऐसा दिन नहीं हुआ करता था जिस दिन दंगे ना होते हों। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है, जो भी अपराधी चाहे अपराध करता हो, हत्या करता हो, उसके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है तो अखिलेश यादव बेचैन हो जाते हैं। प्रियंका गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़े, रायबरेली हम लोग संभाल लेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी और जनता ने अब इन सब की हवा निकाल दी है। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी के पति स्वर्गीय उपेंद्र तिवारी की स्मृति सभा में पहुंचे हुए थे। यहां पर उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी और तमाम योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है, साथ ही तमाम जनहित की योजनाएं थी उनका लाभ भी यहाँ लाभार्थियों को दिया है। हरदोई से वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनोज तिवारी, एनबी न्यूज़।